न्यूजीलैंड का दौरा बचाने की एक किरण रोशन। पाकिस्तान के पास कब तक का वक्त है कि वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को रोक सके। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना हो सकता है। इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी खटाई में पड़ सकता है, जबकि PSL 7 के पाकिस्तान के होने पर भी सवालिया निशान लग सकता है। न्यूजीलैंड की टीम को चार्टर तैयारा कार लेने आएगा। अगर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज, न्यूजीलैंड हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड को कायल कर लेती हैं तो न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान बच सकता है। न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान का दौरा मंसूख कर देता है तो पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। याद रहे कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच 2:30 बजे शुरू होना था, मगर न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर दौरा मंसूख कर दिया है, जिसके बाद अब इंग्लैंड ने भी 24 से 48 घंटे का वक्त मांग लिया है। तर्जमान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद हमारी सिक्योरिटी टीम के साथ मुशावरत कर रहे हैं, अगले 24 से 48 घंटे में दौरे पाकिस्तान के हवाले से हतमी फैसला कर लेंगे। अगर इंग्लैंड दौरे पाकिस्तान से इनकार कर देती है तो वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के पास भी दौरा ना करने का जवाब मिल जाएगा। दूसरी जाने PSL 7 पर भी सवालिया निशान लग गया। अगर न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करते तो PSL 7 में बड़े खिलाड़ियों की शिरकत मशकूक हो जाएगी। इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL 7 को UAE मुंतकिल कर सकता है। अगर हम बात करें दौरा न्यूजीलैंड के मंसूख करने पर किसका हाथ है तो यकीनन आप भी जानते हैं कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, क्योंकि इंग्लैंड के तमाम खिलाड़ियों IPL में खेलने से इनकार करने पर पाकिस्तान के दौरा करने की हामी भर ली थी, जो इंडिया को एक आंख भी न भाया। और दूसरी वजह पाकिस्तान का अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करना है, जो ना ही इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भाया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो, मगर इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।